गालिब आ जाए। अल्लाह कहेगा झूठ बोलना है, तूने जिहाद इसलिए किया था कि अमरीका गालिब आ जाए, तुमने जिहाद इसलिए किया था कि बरतानिया गालिब आ जाए। तुम तो जिहाद के नाम पर मक्के पे गोलियां चला रहे थे, तुम तो जिहाद के नाम पर इराक में खून बहा रहे थे, तुम तो जिहाद के नाम पर अफगानिस्तान को तोरा बोरा बना रहे थे, तुम तो जिहाद के नाम पर अरबों और अजमियों की लड़ाई पैदा करा रहे थे, तो अमेरिका तुम्हारे जरिए से तुम्हारे जिहाद से गालिब आ रहा था, तुमने कौन सा जिहाद किया? तागूत तुम्हारी वजह से गालिब आ गया, मजबूत हो गया, कैसा जिहाद? इंसान नीयत को नहीं जानता, नीयत को कौन जानता है? इन्नमल आमालु बिन्नियात, जब हम पढ़ते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इसको जिसने बड़ा अमल किया, कुर्बानी भी दे दी इसने, लेकिन अल्लाह कहता है मेरी बारगाह में क्यों नहीं कबूल हुई? इसने कुर्बानी देने से पहले कुर्बानी देने की वो अकल, वो शऊर जो कुरान देना चाहता था, जो शरीयत मुहम्मदिया देना चाहती थी, जो इसको सच्चे रहनुमा देना चाहते थे, जो पैगंबर की तालीम इसको दे रही थी कि तू जिस जिहाद की बात करता है उस जिहाद का ताल्लुक तो दीन के सियासी निजाम से था, तूने वो सियासी निजाम सीखा? तुम जिस जिहाद की बात कर रहे थे उस जिहाद का ताल्लुक तो दीन के मुआशी निजाम के गलबे के साथ था, तूने कहीं दीन के मुआशी उसूल सीखे थे? तुझे पता था कि पैदाइश दौलत, सरफ दौलत, तबादले दौलत और के क्या क्या उसूल हैं, कैसे दुनिया में भूख मिटाने के लिए मुआशी तौर पर एक मुनज्जम सिस्टम बनाया जाता है, शरीयत उसमें क्या कह रही है, हलाल कैसे गालिब करना है, हराम से कैसे बचाना है? तेरे तो इज्तिमाई इदारे इस्तेसाल कर रहे थे, तुम्हारे तो इज्तिमाई इदारे जुल्म कर रहे थे, तुमने जो अमल का रास्ता इख्तियार किया क्या सोसाइटी के इस मुआशी जुल्म को मिटाने का किया था? कौन से तुम रास्ते की बातें कर रहे हो? तुम्हारे अपने मुल्कों में कुफर नाच रहा था, दहरियत नाच रही थी, लादीनियत नाच रही थी, कुफर के निजामों ने, जुल्म के निजामों ने तुम्हारी सोसाइटी को अजाब में मुब्तला किया। तुम्हें जिहाद से पहले माशी निजाम सीखना चाहिए था, तुम्हें पता होता कि मादनियात उसके लिए शरीयत ने क्या अहकाम दिए, उनको इस्तेमाल कैसे करना है, क्या उसको अमेरिका की कंपनियों को बेचना है, क्या उसको बर्तानिया और जर्मनी की कंपनियों को देना है? तुम्हारे यहां अगर सोना निकलता है, तुम्हें पता है कि इस सोने को कैसे इस्तेमाल करना था मैंने, इसके कोई तिजारती सूर तुमने इख्तियार किए, इसको डॉलर के लूट कसोट से कैसे बचाना था, इसको जालिम सरदारों की लूट कसोट से कैसे बचाना था, इसको जालिम हुक्मरानों की लूट कसोट से कैसे बचाना था? तुमने इतना बड़ा जिहाद का अमल इख्तियार करना था तो तुम्हें पता तो होता कि मैंने ये जिहाद भूख मिटाने के लिए किया तो मैं इस्लाम का मुआशी निजाम पहले पढ़ूं तो सही, मुझे इस्लाम का सियासी निजाम पहले आए, मैंने जिहाद किया फितना मिटाने के लिए, मेरे जिहाद ने और ज्यादा फितना पैदा कर दिया। जिहाद तो इसलिए होता है कि दुनिया में अमन कायम हो, मैंने अजीब जिहाद किया कि दुनिया के अंदर बदअमनी बढ़ती चली गई, इंसानियत कत्ल होती चली गई, ना दीन का सियासी निजाम आया, ना मुआशी निजाम आया, ना अदालती निजाम आया, ना ज़रात का निज़ाम आया, तो मैंने जो चीज़ पहले सीखनी थी, जो सहाबा इकराम ने मक्की दौर के अंदर बैठकर सीखी थी, आपने तालीम किताब दी यानी कानून शरीयत उनको सिखाया था, तुम्हें वो कानून पहले सीखना चाहिए था दौर के तकाजे के मुताबिक। हिकमत सिखाई है पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्की दौर में सहाबा को सिखाई है, वो मक्की दौर में हिकमत अक्ल व शऊर की आला कमाल की चीज थी, तुमने वो हिकमत सीखी थी?
जिससे तुम्हें पता चलता निजाम कैसे तश्कील दिए जाते हैं, भूख कैसे मिटाई जाती है, अमन कैसे कायम किया जाता है, अदालत कैसे चलाई जाती है, इदारों की तश्कील कैसे की जाती है, तुमने क्या ये चीज पहले कहीं सीखी थी? एक जिहाद का झंडा उठा लिया जज्बाती होकर, हिकमत से खाली होकर, दौर के तकाजे से आरी होकर, तागूती सियासत से जाहिल बनकर, इस जहालत ने तुम्हें तुम्हारे जिहाद के नतीजे में बजाय कामयाबी के जिल्लत के गड़े में डाल दिया। क्यों? इसलिए कि इस्तहवज़ अलैहिम शैतान, जब किसी सोसाइटी पर शैतान का निजाम गालिब आता है, उसकी जेर निगरानी जब जिहाद किया जाता है, तो वो शैतानी कुव्वतों को फायदा पहुंचाता है। अक्ल व शऊर के साथ, नीयत की दुरुस्तगी के साथ, तालीम के जेवर से आरास्ता होकर, दौर के तकाजे के तहत अगर जिहाद का अमल इख्तियार किया जाए, तो इसका तो नमाज पढ़ना भी जिहाद है, इसका तो रोज़ा रखना भी जिहाद है, इसका तो सेमिनार्स अटेंड करना भी जिहाद है, इसका तो सिलेबस पढ़ना भी जिहाद है, इसका तो ये जिहाद अकबर है जिसने अपनी ज़हनी, अकली और शौरी आबियारी हासिल करके शैतानी चालों को नाकाम बनाने की अकल पैदा कर ली। इसके जिहाद के को कौन पहुंच सकता है? इसने तो 13 साल मक्की दौर के अंदर अक्ल व शऊर के आला कमालात हासिल किए थे, जिसकी बुनियाद पर सोसाइटी में एक बहुत बड़ा इंकलाब आता है, तब्दीली आती है। ये सारी चीजें खत्म। उस्वाए पैगंबर हमने छोड़ दिया, उस्वाए रसूलुल्लाह छोड़ दिया, तलवार चलाना सीख लिया। तलवार जहां जरूरत होती है चलाई जाती है। अकल और शऊर की तलवार हर वक्त तेज रहनी चाहिए, मजबूत रहनी चाहिए। वो सीखने से आती है, उसकी ट्रेनिंग हासिल करनी पड़ती है। जिहाद की ट्रेनिंग अस्करी कुव्वत देती है। सियासत, मईशत, समाजियात, अदालत, इदारों की तश्कील, तरक्की का निज़ाम, ज़रात का निज़ाम, ये सोसाइटी के वो दानिश्वर तबका देता है जो कुरान हकीम को इनकलाब की नीयत से पढ़ता है, जो कुरान हकीम को बतौर सिस्टम के पढ़ता है, जो अहादीस मुबारका को सही तनाजुर में फुकहाए उम्मत की आरा की रोशनी में उसको समझने की कोशिश करता है, जिसने अहादीस मुबारका इमाम अबू हनीफा से समझने की कोशिश की, इमाम शाफी, इमाम मालिक और फुकहाए